कुत्ता के भी खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी के नाम से वोट होगा। सांसद के साला चोरबा है कोई भी आदमी। पलटी मार तो नीतीश कुमार है बिहार में। पलटी मार नीतीश कुमार नहीं है, पलटी मार तो बीजेपी भी है। रुपया की तो सीतामढ़ी का मतलब भला हो पाएगा? भला हो या ना हो उसको हाथ में है साला वो अपन। सुनील कुमार पिंटू जी वर्तमान सांसद, जाने दीजिए सुनील कुमार पिंटू को, क्या करेगा सुनील कुमार पिंटू, क्या कर लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ। इस वक्त हम सीतामढ़ी के बाद सुशील चौक पे, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। सीतामढ़ी के लोगों का मूड क्या है, इस बार किसको अपना वोट देने वाला है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। पहले बाईपास रोड बनाओ, पुल पुलिया रोड बनाओ, ये सब करो तब वोट देंगे। हाँ, उसके बाद नहीं वोट देंगे। अच्छा, नेता सब इन दिनों घूम रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नेता तो माला पहन के घूमते ही रहते हैं, वो तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं जी। पहले रोड को मरम्मत करो, रोड को बनवाओ, नाला बनवाओ, पुल जहाँ है बिजली का पुल लगवाओ, तब वोट देंगे, नहीं तो घूमते रहो। अच्छा, सुनील कुमार पिंटू जी वर्तमान सांसद, जाने दीजिए सुनील कुमार पिंटू को, क्या करेगा सुनील कुमार पिंटू, क्या कर लिया है? खिलौने का डब्बा है। हम लोग शुरू से उनके बाबा दादा तब से जानते हैं, आज ने सुनील कुमार पिंटू है जो अर्जुनडा करके दिखा दिया, किसी से नहीं हुआ है ना होगा। अच्छा, अभी आरजेडी से अर्जुन राय जी भी आने वाले हैं, क्या ख्याल है उनके बारे में? हाँ, अर्जुन राय अगर मतलब सीतामढ़ी के सांसद बन, एक बात तो कह दिए, जो विकास करेगा उसका वोट देंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। जनता को बेवकूफ मत बनाइए, जनता बहुत कुछ समझ गई है। शाह जी, क्या लग रहा है सीतामढ़ी में किसको सांसद का वोट देना है? सांसद का वोट जो बढ़िया खड़ा होगा उसको हम लोग देंगे। क्या लग रहा है कौन बढ़िया है? बीजेपी कोई भी पार्टी खड़ा होगा उसको दे देंगे वोट हम लोग। पिछले बार बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, फिर से गठबंधन हो गया, सांसद सुनील कुमार पिंटू थे, आपने पिंटू जी को वोट दिया था। हाँ, पिंटू जी, दोबारा पिंटू जी खड़ा होगा तो वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे उसी को, नाम पर पार्टी को देंगे वोट, पिंटू जी हो चाहे कोई हो, बीजेपी के नाम पर हम लोग वोट गिरावेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो सीतामढ़ी का मतलब भला हो पाएगा? भला हो या ना हो उसको हाथ में है साला, वो अपन गान मरावे सांसद। अच्छा, वैसे मतलब नहीं, हम पार्टी को वोट देंगे। हाँ, कुत्ता के भी खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी के नाम से वोट होगा। सांसद के साला चोरबा है कोई भी आदमी, पिंटू प्रसाद है पैसा वाला, वो अपना कहीं जाता ही नहीं, लेडीज सब गाली दे रहा है उसको, मगर फिर भी लोग वोट उसी को मजबूरी देगा। अच्छा, कुछ लोग देवेश चंद ठाकुर का भी नाम बोल रहे हैं। देवेश चंद ठाकुर है पैसा वाला, अच्छा तो आने वाला सीट पर वो भी वो सही करेंगे। देवेश चंद ठाकुर है, आई है कथी नाम है अर्जुन राय। अच्छा, सब काम करने वाला नेता है। अच्छा, अर्जुन राय के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन राय है तो काम करने वाला नेता है, मगर टिकट उसको गलत मिल जाता है। अर्जुन राय को अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो क्या वोट देंगे अर्जुन राय को? अर्जुन राय को फूल छाप मिलेगा ना? फूल छाप नहीं मिलेगा, अर्जुन राय को ललटेन छाप मिलेगा। ललटेन छाप तो उसको वोट कम लोग गिरेगा। अच्छा, क्या लग रहा है सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अल्टी मार पलटी मार से बचना चाहिए, सबसे पहला बात है। सबसे बड़का दलाल अल्टी मार और पलटी मार है, दौड़ के ही पार्टी दौड़ के वो पार्टी है। उससे अच्छा है कि रोड पर का एक कुत्ता को खड़ा कर दे, वो भी चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है पलटी मार तो नीतीश कुमार है बिहार में? पलटी मार नीतीश कुमार नहीं है, पलटी मार तो बीजेपी भी है। पलटी मार तो सबसे बड़का बीजेपी भी है। अच्छा, कभी पार्टी को घुसा है, कभी वो पार्टी को घुसा है, डंडा उनके हाथ में है। अच्छा, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे उसी के पास, बाप वही है। अपने बलबूते पे खड़ा हो, अपना पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता है उसको टिकट दे, वो पार्टी से लियाना है, वो पार्टी से लियाना है, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उसी में विधायक एमपी जीतता है तो काहे अपने में लेता है, अपने कार्यकर्ता को दे, जो चला गया वो अच्छा है, उससे अच्छा रोड पर के देना आदमी को टिकट। आज इसको दम है, अपने दम पर आप चुनाव लड़े, बीजेपी में चलेगा तो वो दे दिया तो हम उसी पर जीत जाएंगे, आरजेडी में चलेगा तो वो दे दिया तो हम उसी पर लड़ लेंगे, अपने दम पर लड़े। मतलब बीजेपी खुद क्या स्टैंड करे, अपना करे, अपने कार्यकर्ता को दे वोट। सीतामढ़ी में इस बार मतलब किसकी लहर है? सुनील कुमार पिंटू। अच्छा, फिर से पिंटू जी? यस। अच्छा, क्या लग रहा है पिंटू जी क्या अच्छा काम किया कि सीतामढ़ी के लोग उनको दोबारा वोट दें? ओवर ब्रिज बना दिया, सीतामढ़ी एक नंबर स्टेशन बनने जा रहा है, 251 फीट का सीता की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। ओवर ब्रिज अभी तो मतलब 14-15 साल हो गया, उस समय सुनील कुमार पिंटू नहीं थे।
सोचा? वो तो इस बार आया है ना, तब उसमें विधायक जी कह रहे, मतलब नगर विधायक मिथिलेश कुमार कह रहे कि मेरे क्रेडिट से बन रहा है ओवर ब्रिज। संभव नहीं है, विधायक का क्षेत्राधिकारी नहीं है, सेंट्रल का है, रेलवे सेंट्रल का है। क्या लग रहा? अच्छा, देवेश चंद ठाकुर भी इन दिनों मतलब पूरे शहर में घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी तो समय आ गया इलेक्शन का, सब लोग घूम रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा। आप किसको वोट करने वाले हैं? सुनील कुमार पिंटू। पिंटू जी को वोट करें। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहाँ सीतामढ़ी कोर्ट बाजार में रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी में इस बार किसको सांसद बनाना है? वो भाजपा के पार्टी को सांसद बनाना है। भाजपा से कोई भी आए? कोई भी आएगा। अच्छा, बिहार में एनडीए गठ में है, सरकार बनी है, जदयू भाजपा एक साथ है, क्या लग रहा है पिंटू जी होंगे या फिर देवेश चंद ठाकुर होंगे? वो तो मुझे नहीं मालूम, चूंकि वो राजनीतिक स्थिति है, वो कौन टिकट से आएंगे वो तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ से वो जदयू और भाजपा के ही दोनों मिला हुआ कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मुद्दा है आपको नाला रोड अतिक्रमण, ये सब होनी चाहिए। नाला का बहुत दिक्कत है, वार्ड नंबर 17-18 ये सब बहुत, मतलब कि बहुत ही दिक्कत हालत में चल रहा है, रोज अखबार में आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन को ध्यान नहीं है, ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नगर निगम बन गया, मेयर उपमेयर कहते हैं कि सब काम ठीक हो रहा है, अब वो तो राजनीतिक पद है, वो तो अपने पद को कहेंगे ही कि सब ठीक हो रहा है, बशर्ते जनता कहे कि सब ठीक हो रहा है तब तो। प्रेम जी, क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी में कौन सांसद बनकर के आएगा ताकि सीतामढ़ी का विकास हो पाएगा? ये देवेश चंद ठाकुर का नाम सुन रहे हैं। अच्छा, पिंटू जी कहे नहीं? पिंटू जी कहे नहीं, उसे क्या कहा जाए। अच्छा, क्या लग रहा है ठाकुर जी का नाम सुनने में आ रहा है? क्या लग रहा है ठाकुर जाएंगे तो बेहतर हो सकता है? हाँ, बढ़िया होगा। क्या लग रहा है सीतामढ़ी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जल जमाव का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, नदी नहीं हो रहा है, नदी साफ नहीं हो रहा है, इसका मुद्दा है। तो क्या लग रहा है मतलब देवेश चंद ठाकुर जी के आने से कुछ परिवर्तन है? हाँ, परिवर्तन आना चाहिए, राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब सीतामढ़ी का सांसद कौन बनना चाहिए? सीतामढ़ी का सांसद वोट देते हैं सर? हाँ, वोट देते हैं। आपके नगर में कोई अच्छी पार्टी है? कौन पार्टी मतलब लग रहा है कि सीतामढ़ी का विकास करेगी या फिर बिहार का विकास करेगी, देश का विकास करेगी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। सीतामढ़ी में मतलब आप किसको वोट देने वाले हैं? सीतामढ़ी में अभी सोच विचार होगा तभी ना हम लोगों का। अच्छा, क्या लग रहा है सोच विचार मतलब किस मुद्दा पे होगा? विकास विकास तो होगा। हाँ, विकास होगा। क्या लग रहा है सीतामढ़ी में कुछ विकास विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले? हाँ। अच्छा, क्या है मोदी जी को वोट देने वाले? विकास बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। आपके नज़र में कोई काम हुआ है? हाँ, आपके नज़र में कोई काम हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ बताइए? बहुत कुछ हुआ है हमको नज़र में, गैस उसके पूरा चीज मिला है। क्या मिला है? गैस उस वाला काम मिला है, फ्री उड़ी। अच्छा, गैस फ्री मिला आपको? आपने इस वीडियो में देखा कि सीतामढ़ी के लोगों का क्या कहना है, वो किसको वोट करेंगे, पार्टी हो या फिर लोग हो, उन्होंने कहा बीजेपी, आरजेडी या फिर किसी और पार्टी का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे वीडियो में। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीतामढ़ी के विकास की बात करने वाले हैं, यहाँ के लोगों की बात करने वाले हैं। धन्यवाद।